सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। हम आ चुके हैं बस स्टैंड अहमदाबाद सेंट्रल स्टेशन ऐसा कुछ है, और सारी बसेस लग रही है यहाँ पे। और अभी हमें वडोदरा की बस देखनी है, गाइस हम आ चुके हैं फाइनली स्टेशन और बस ढूंढ रहे कौन से जाएगी बस। फाइनली हमें बस मिल चुकी है, मेरी वडोदरा की बस। अगर आपको मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है तो आपको अहमदाबाद से मॉर्निंग में एक बस होती है 6 AM की, वो आपको पहुँचाती है एकता नगर। एकता नगर से स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत ही मतलब बहुत कम डिस्टेंस है। तो हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे, तो अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद से वडोदरा। और अहमदाबाद से वडोदरा का चार्जेस अभी हमारे दो जनों का हुआ है 256 रुपीज़। फाइनली अब वडोदरा आ चुके हैं, और ये यहाँ का है अपना स्टेशन। और यहाँ पे पहले कुछ हम यहाँ पे खाने का ढूंढ लेंगे क्योंकि लगी है भूख। तो अभी हम ले रहे हैं पफ लेवानू, यहाँ से निकलवानू निकलवा रहा है। बड़ा लूंगा। हाँ बड़ा ही लेता है, तो वैसे ही ढोकले लेंगे क्योंकि हमने अहमदाबाद आके गुजरात आके यहाँ के ढोकले नहीं खाया अभी। मतलब हमने क्या लेवानू जो आपको सब हम बता रहा हूँ, हम ढोकला लेवानू और ये पफ लेवानो और ये अपने थेपले लेवानो और प्लस दो चाय लेवानो। पहले ये सब खावानू, देन आपको मिल दिखाता हूँ आपको यहाँ के मतलब बस स्टेशन है। और यहाँ पे देखो मॉल बना हुआ है पूरा। मैं आपको एक नॉलेज की चीज़ बताता हूँ कि बड़ौदा का नाम इसलिए बड़ौदा हुआ था क्योंकि यहाँ पे वर्ड के वृक्ष बहुत ज़्यादा है। मंडी में कुछ वर्ड के वृक्ष आएगा वो आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। ये है वर्ड का वृक्ष। सो अभी हम जा रहे हैं वडोदरा से गरुड़ेश्वर, वहाँ पे अपना पहला स्टॉप होगा। और ये आता है अपने केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, और केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आपका वडोदरा से एकता नगर तक जाने का मतलब अपना किराया है 160 समथिंग है। वडोदरा से यहाँ पे एक स्टेशन आता है उसका नाम है गरुड़ेश्वर, वहाँ पे अपने स्टॉप किया है और वहाँ से हम जा रहे हैं एकता नगर। पहले हम रात का अपना यहाँ से अहमदाबाद की टिकट बुक करवा लेते हैं एकता नगर, और फिर वहाँ से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भैया हमको लेके जा रहे हैं एकदम काड़ू का फ्रेंड है बोल रहे हैं हमारा एक मित्र है काड़ू, उनके फ्रेंड है, ये देख सकते हैं आप। जूम करके बताता हूँ। अभी हम आ चुके हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन, ऐसा कुछ बाहर से दिखता है। और अभी हम जाएंगे टिकट्स बुक करवाने, रात की मतलब 8:20 की यहाँ की है ट्रेन सीधा अपने अहमदाबाद की। टिकट हमारे हो चुके हैं बुक अपने एकता नगर से अहमदाबाद जाने के लिए, और रात को है अपने 8:20 की यहाँ से ट्रेन। और मतलब रोज़ की मतलब ये एक ट्रेन ही आती है और एक ट्रेन ही जाती है, मतलब सेम ट्रेन ही है। और मतलब बस अभी जा रहे हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी, हमारा टिकट वाला काम पूरा हो चुका है और हमें एक भैया मिल गए थे ये अपने उत्तराखंड। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ से टिकट लेंगे, टिकट काउंटर है आगे। तो ये है पूरी यहाँ की टिकट लिस्ट। तो अभी हमने ले लिया है टिकट्स, और वो रही हमारी बस जो हमें स्टैचू ऑफ यूनिट तक ड्रॉप करेगी। तो अभी बस में जाने के लिए भी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये बस जाएगी अपने। बैठ चुका है बस में और हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ऐसी कुछ बस है। और बाहर से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कैसा है, बाहर से बहुत ही प्यारा व्यू है बाहर से स्टैचू ऑफ यूनिटी। फाइनली हम आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभी हमको दिखाते हैं कि कैसा है व्यू यहाँ का। ये देखो ये रहे अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू, और अपने यहाँ पे नर्मदा नदी, और ये है सामने सरदार सरोवर डैम। तो यहाँ पे एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कोई लगेज अपने साथ में नहीं ले जा सकते, लगेज के लिए यहाँ पे लॉकर रूम बने हुए हैं। तो हमारे पास में मतलब 2-3 छोटे छोटे कैरी बैग, तो वो यहाँ पे हम स्टोर करवा देंगे।
यहाँ पे ये हेल्थ लैक्स बना रखी है, यहाँ पे अपन अपनी मदद की पुकार लगा सकते हैं। तो अभी हमारी मदद की पुकार है कि हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है इन भैया का, तो अभी हम चार्जिंग उत्तराखंड वाले भैया का फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है। भगवान के, ये सौरभ जोशी के शहर के हैं। तो अभी मतलब यहाँ से डिस्टेंस है वॉक करके 100 meters का है, तो वहाँ पे हम जाएंगे अभी भैया। और आसपास मतलब फूड वाला खाना और सब आइटम्स है यहाँ पे। अभी टिकट्स दिखाएंगे और एंट्री है यहाँ से, डाउनलोड नहीं किया था। एंट्री हमारी हो चुकी है और ऐसा कुछ है यहाँ पे व्यू। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी होगी हमारी स्कैनिंग, फुल बॉडी स्कैन होने वाली है यहाँ पे, हो रही है चेकिंग। सो गाइस फाइनली सब सिक्योरिटी और सब डन हो चुका है, और अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से व्यू, देखिए। फाइनली हम आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत क्लोज में। अब दिखाता हूँ आपको कितनी हाइट है इनकी, ये देखना, ये देखो टोटल इनकी हाइट है 182 meters, और वर्ल्ड में सबसे नंबर वन टॉलेस्ट स्टैचू है। और इसको अगर अपन फिट में करें तो 597 feet का स्टैचू है, और ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू। और ये देखिए, पास में आओगे ना तभी आप सोच पाओगे कि कितनी ज़्यादा हाइट है इनकी। ये देखो इतनी हाइट है कि यहाँ से मुंह फेस भी नहीं दिख रहा है। और ये सामने सरदार सरोवर डैम और नर्मदा नदी, देखो इनका पाँव कितना बड़ा है। ये देखिए इनका एक पाँव, देखिए कितना बड़ा है साइज, आप देख सकते हैं। मानू एक बार खड़ा होना तो ये देखो, ये मानू और एक इनका पाँव। और बहुत ऊपर है भाई, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये आपको मतलब ये एक इनका पाँव है ना, थोड़ा सा उठा हुआ होगा और ये एकदम फ्लैट है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने इंडिया को। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये इनका एक लेग है ना थोड़ा सा ऊपर है, और ये वाला एकदम फ्लैट है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब हमेशा एक कदम है ना आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। अंकल वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ की। नमस्कार, तो सबसे पहले 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा था नर्मदा का मीठा पानी दरिये में ऐसे चले जाते, उसको ही बांध बना के जहाँ अकल पड़ती है वहाँ लिया जाए तो कितना अच्छा। ऐसा सोच आज़ादी के पहले सरदार वल्लभ भाई ने सोचा था। वो कब सोचा था? हर साल सौराष्ट्र कच्छ और उत्तर गुजरात में अकल पड़ता था, तभी नर्मदा में पर सेकंड 30 lakh to 40 lakh पानी आता था। तभी सरदार वल्लभ भाई ने सोचा अकल का सॉल्यूशन सिर्फ नर्मदा में बांध के किया जाता है, इसीलिए सरदार सरोवर नाम दिया। और सरदार सरोवर बनाने से सौराष्ट्र कच्छ और उत्तर गुजरात के 8,215 गाँव हैं, 135 छोटे मोटे शहर हैं, 14 जिले हैं, 62 तालुका, साल भर के लिए 18 lakh hectare सिंचाई होता है। कि बांध बना है गुजरात में लेकिन केंद्र में एरिया 88,000 kilometers, तो पानी बनने की जो कैपेसिटी है सरदार सरोवर की लंबाई में 214 kilometers, गहराई 138 meters, उसमें दो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए, कैनाल है पावर हाउस है उसमें 50 megal के 5 meter पर बेल कंपनी के, RBPH है उसमें जापान और फ्रांसी 200 megal के 6 units, जापान और फ्रांसी टर्बाइन उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है सीधा घूमे तो बिजली बनेगी उल्टा घूमे तो पंप का भी काम कर पाएगा। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाने के लिए बांध की हाइट 163 meters है, उसमें 105 meters पे ऐसे पाइप रखा है, और 110 meters जब पानी लेवल आता है तब 6 minutes में 1450 megal बिजली बनती है। हाँ, उसमें जो गांव डूबते हैं उनके हिसाब से बिजली दिया जाता है, तो डूब क्षेत्र में MP के 193 गाँव है उसको 57% बिजली मिलती है, 57% खर्चा MP देता है, महाराष्ट्र के 36 उसको 27% खर्चा महाराष्ट्र देता है, और 19 गांव गुजरात के हैं, गुजरात को 16% 70% पानी ग्रीडी से गुजरात को मिलता है। ये सारा सोच आज़ादी के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा था, और जब भी भारत आज़ाद हुआ 562 रजवाड़े बिखरे हुए पड़े थे, सबको समझा के पूजा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत एक राष्ट्र बनाया था। 2010 में मोदी सर ने सोचा कि अच्छा जो सोच है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबको नॉलेज में नहीं है, तो कैसे करके सबको नॉलेज में लाना है, यही सोच से यहाँ एक
बनाया गया। तो आप जो अभी खड़े हैं वो नदी के बीच में ऐसा हिल था, वो हिल को जरूरत पड़ी वहां तक काटा, काटने के बाद लेवल किया, लेवल करने के बाद उसका जो बॉटम है 58 मीटर नीचे ग्राउंडिंग करके स्तंभ निकाले। इसके बाद ये जो एरिया है वो 22,500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट उसी के बाद ये पूरा एरिया। और उसके बाद ये दो पिलर्स निकाले आरसीसी, वो भी हॉलो, टूरिस्ट को यहाँ तक ले जाते और मेंटेनेंस वाले सर तक जाते, सीढ़ी बना के रखे। और आरसीसी का स्ट्रक्चर है उसमें 70,000 मैट्रिक टन सीमेंट है, 18,500 मैट्रिक टन लोहा। उसके बाद ये जो कवर है उसमें 85% कॉपर, 5% जिंक, 5% टिन, 5% लेड, ये 4 मेटल इकट्ठा करके 6,500 पीसेस और 1700 मैट्रिक टन। फिर भी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई प्रति घंटे 180 की रफ्तार होगी फिर भी हिलेगा नहीं, पर 6.5 का भूकंप होगा ये सेंटर होगा फिर भी इफेक्ट नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा तो कंप्यूटर में 6,620 से 6,650 नंबर डाला और कंप्यूटर में ऐड किया है, ऊपर कंपन कैमरा डाला है, सेंसर डाला है, सेंसर थ्रू कैमरा में कैद करके कंप्यूटर बता देगा ये पार्ट हिलता है तो उसको रिप्लेस कर पाएंगे। उसकी थिकनेस है 8 mm से 10 mm। L&T कंपनी को कॉन्टैक्ट दिया था, 5 साल का प्रोजेक्ट है, 3.5 साल में बना के दे दिया, खर्चा है 3,000 करोड़, उसमें 15 साल तक मेंटेनेंस। हाइट है पोडियम से 182 मीटर, यहाँ से 157 मीटर और बॉटम से 240 मीटर। ये पैर है उसकी लंबाई 70 फीट और अब उठा के 99 फीट। उसका आर्किटेक्ट है रामवीर सुधर, धुलिया का है, महाराष्ट्र का, 97 चलता है, फिर भी रामगौर शिवाजी का जो नेक्स्ट बनने वाले उसका आर्किटेक्ट रामवीर सुथारी। आपका इसकी लिफ्ट कौन से फ्लोर तक जाती है? 45 फ्लोर यूँ गैलरी है, वहाँ तक लिफ्ट चलता है। और टॉप फ्लोर लास्ट कितनी है इसकी? 60 फ्लोर, 182 मीटर, वो 60 फ्लोर। गाइस दिखा सकता हूँ थिकनेस बहुत ही, ऐसा नहीं दिखा, ये देखो थिकनेस ये पूरा है ना, दो पिलर्स पे बना हुआ है पूरी स्टैचू। इसका पानी यहाँ आएगा ज्यादा जम के हवा के साथ, तो पानी कहाँ निकलेगा? हाँ उसके लिए दिया, सब जगह से यहाँ निकल जाएगा आराम से और आग भी अंदर, तो इसको हवा कैसे जाएगी? ये जाली इसलिए बना रखी है हवा के लिए, सर्कुलर। तो ये है अपने म्यूजियम की एंट्रेंस, यहाँ से हम जा रहे हैं अभी म्यूजियम के अंदर। दिखाता हूँ आपको म्यूजियम के अंदर का व्यू, कितना ऑसम व्यू है यहाँ का। ये देखो सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फेस और इधर सारे। सो गाइस फाइनली हमारी चेकिंग हो चुकी है और हम जा रहे हैं म्यूजियम पार्क। गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। बड़ा ये देख, ये देखो पूरा अंदर से कैसा है और अंदर से पूरा ऐसा है। अभी हम आए हैं चेस्ट, यहाँ पर मतलब चेस्ट वाला एरिया है। हम हैं 45 फ्लोर पे आए हम। 135 मीटर की हाइट पे है अभी एट प्रेजेंट हम। सो गाइज अभी हम निकल रहे हैं और लास्ट बार आप देख लीजिए स्टैचू, लास्ट बार अभी हम वापस निकल रहे हैं अहमदाबाद के लिए। कोकोडाइल भाई, कोकोडाइल मगरमच्छ। कोकोडाइल दिखा मदड़मच्छ दिखा। फाइनली हमने स्टैचू ऑफ देख लिया है और हम वापस अब जा रहे हैं अहमदाबाद की ओर। इस बार एक बार आप देख लीजिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सनसेट हो रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में और बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे व्यू। और अभी हम जा रहे हैं वापस एकता नगर, हमारी वहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस सीधी हमारी अहमदाबाद हमको पहुँचाएगी। हम आ चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन एकता नगर, हमारी ट्रेन मिल चुकी है और अब हम जाएंगे सीधा अहमदाबाद, तो आपको सीधा अहमदाबाद में मिलेंगे। आप हुआ दुआ हुआ ट्रेन में लगी यार। फाइनली हम आ चुके हैं अहमदाबाद।
सो गाइस फाइनली हम अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं। हमने अहमदाबाद से अपनी बस में बैठ चुके हैं, मतलब हम खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो अगर आपको ये अहमदाबाद की सीरीज, व्लॉग सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और जितना हो सके सपोर्ट दिखाएगा इस सीरीज में।